वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग वैसे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इससे पिछले क्लास में हमने देखा था वैसे मॉलिक्यूल का शेप जिसमें लोन पेयर नहीं थे, उसमें पांच टाइप का मॉलिक्यूल आया था। यहां पे सेवन टाइप का मॉलिक्यूल आएगा और सबके शेप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा टाइप जो होगा मॉलिक्यूल का, वो वैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक सेंट्रल एटम तो होगा ही, दो बॉन्डेड एटम है, ये बी फॉर बॉन्डेड एटम हमने लिया दो, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई वन है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक सेंट्रल एटम है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो है आप एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, पहला है एसओ टू, दूसरा दिया है ओ थ्री, दो एग्जांपल दिया है। अगर हम SO2 को यहां अरेंज करने की कोशिश करें तो ये सल्फर है, सल्फर में सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें दो लोन पेयर के फॉर्म में यहां ऊपर रह जाएगा और बाकी दो जो है पेयर यहां और यहां है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही सोचेंगे। तो यहां पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एंगल अकुपाई करेगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा और ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा। तो ये एस और ओ 120 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल पर बेंड किया हुआ मिलेगा, यानी कि इसका शेप कैसा हो जाएगा। शेप जब हम लोग देखते हैं तो लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो ये जैसे ये हमारा जो फिस्ट है ये एस है, तो एक नीचे की ओर रहेगा इधर ऑक्सीजन, एक ऊपर की ओर ऑक्सीजन रहेगा, ये लोन पेयर ऊपर है, लेकिन इस लोन पेयर को हम लोग नहीं सोचेंगे, ये लोन पेयर बहुत छोटा रहेगा इसलिए इस शेप में नहीं डिसाइड होगा। यहां पे शेप में ये और ये मिलके बेंड शेप देगा, बेंड शेप। शेप इसका कैसा हो गया, बेंड, झुका हुआ शेप हो गया। तो ये पहला टाइप हमने पढ़ा। सेकेंड टाइप आएगा, एक सेंट्रल एटम है और इसके साथ तीन बॉन्डेड एटम लेंगे, यहां ए बी थ्री हो जाएगा और एक ही लोन पेयर वाले को स्टडी करेंगे। अभी एक लोन पेयर वाले को देख रहे हैं, फिर दो लोन पेयर वाले आएंगे, टोटल सेवन टाइप का मॉलिक्यूल इसमें आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे तो पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो NH3 है। अब इसका अरेंजमेंट देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, तो इसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, यानी कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो करेगा लेकिन शेप के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन रिपल्शन करने के कारण तीन जो हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है वो तीनों नीचे की ओर आ जाएगा, झुक जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तीसरा हाइड्रोजन और यहां, यह ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा और ऊपर नाइट्रोजन हो जाएगा जो कि पिरामिड का शेप देगा। तो इस तरह से ये बनेगा क्या, ट्राइगोनल पिरामिड बन जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो शेप हो गया नीचे ट्राइगोनल माने ट्राइंगल हो गया और ऊपर पिरामिड की तरह एक जगह पॉइंट पे आ गया। ओके, तो अब हम फिर तीसरे पे आ रहे हैं, थर्ड टाइप को ले रहे हैं। थर्ड टाइप में एक सेंट्रल एटम और चार बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर की स्टडी करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा SF4। SF4 में सल्फर पर एक लोन पेयर बचा रहेगा और चार बॉन्डेड एटम यानी कि चार फ्लोरीन है। अब इसका अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो सल्फर में एक लोन पेयर है, लोन पेयर तो ऊपर आ जाएगा और ये सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन करने का मतलब हुआ कि ये सबसे ज्यादा एंगल लेगा, 90 डिग्री एंगल ले लेगा, और एक फ्लोरीन यहां, दूसरा फ्लोरीन इधर
और दो फ्लोरीन जो रहेगा ये एक इस साइड में एक उस साइड में। जैसे देखिए एक्चुअल में ये कैसा बनेगा कि इस सल्फर से एक फ्लोरीन ऐसे रहेगा, दूसरा फ्लोरीन ऐसे रहेगा, दो फ्लोरीन हो गया, और एक एफ इधर से और दूसरा एफ इधर से रहेगा। ये एक्चुअल शेप हुआ, यहां पे देख सकते हैं आप, ये दो जो है दो नीचे की ओर है, एक इस साइड में रहेगा और एक इस साइड में। ये झूला जैसे बन गया, बचपन में जो हम लोग सीसा खेलते थे, सीसा होता है ना झूला, नीचे एक ये दो और एक उधर एक इधर, इस पे चढ़ते हैं तो ये ऊपर जाता है, इस पे आते तो नीचे जाता है, ये वाला झूलने वाला जो झूला होता था ना वही वाला झूला ये बनता है। तो यहां पे एक फ्लोरीन आप देख रहे हैं उधर चला गया, दूसरा फ्लोरीन आएगा आपका ऐसे और ऐसे। ये एक्चुअल में सीसाओ का बेस है और ये सीसाओ का जिसपे हम लोग बैठते हैं वो हो गया। तो ये टोटल का टोटल स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है ना कि सीसाओ जैसा है, क्योंकि ये रिपल्सन तो करेगा लेकिन ये शेप में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हम इतना ही का शेप देखेंगे। तो ये कैसा शेप हो गया, सीसाओ। ये सीसाओ का शेप हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग फोर्थ ले रहे हैं। फोर्थ में एक सेंट्रल एटम है, पांच बॉन्डेड एटम लेंगे, 5B5 और एक लोन पेयर। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड BrF5। अब Br पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Br, अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए Br जो है, Br पर एक लोन पेयर हो जाएगा, नीचे की ओर लोन पेयर में दे दे रहा हूं, और चार फ्लोरीन ऐसे चार डायरेक्शन में हो जाएंगे, इधर सॉरी फ्लोरीन है ये F, यहां पे एक F नीचे की ओर, एक F ऊपर की ओर और एक F नीचे की ओर, और इस तरह से ये क्या बन गया आपका, ये स्क्वायर टाइप का बन गया। और एक फ्लोरीन, ये 5 फ्लोरीन है ना, एक जो बचा हुआ फ्लोरीन है ये ऊपर चला जाएगा। अब इस फ्लोरीन से जब इन चारों फ्लोरीन को जोड़िएगा तो आपको ये फिर पिरामिड का शेप दे देगा। इसको अगर इससे 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 सबसे जोड़ेंगे तो ये लगेगा कि नीचे नीचे चार और एक ऊपर चला जाएगा, ये पिरामिड जैसा दिखेगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जैसे मेरा फिस्ट अगर बीआर है तो बीआर से चार ऐसे अटैच रहेगा, देख लीजिए ये चार ऐसे अटैच रहेगा 90 डिग्री के शेप पे, चार अटैच है। तो ये चार अटैच होने से क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 ये फ्लोरीन ये स्क्वायर शेप दे दिया, और नीचे एक लोन पेयर रहेगा, ऊपर एक एक्स्ट्रा जो फ्लोरीन है सो आ जाएगा ये। अब इसमें अगर इसको शेप वाइज देखेंगे ऐसे ऐसे बना दे तो ये लगेगा नीचे स्क्वायर और ऊपर पिरामिड है, ऊपर पिरामिड जैसा है, तो इसलिए इसको इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ओके, तो ये फोर्थ का शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। इसमें पांच था, पांच बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर, तो इस तरह से सिंगल लोन पेयर वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब हम डबल लोन पेयर वाले, यहां पे चार हुआ है, तीन और स्ट्रक्चर होगा जो कि डबल लोन पेयर वाला होगा। ओके, तो अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं। अब हम फिफ्थ मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, इसमें एक सेंट्रल एटम, दो बॉन्डेड एटम और दो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल लेंगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हो जाएगा वाटर H2O, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है और दो हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है। इसका अगर अरेंजमेंट देखें तो यहां ऑक्सीजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है जो कि बॉन्डेड है, और हाइड्रोजन के साथ साथ यहां दो लोन पेयर भी रहेगा, एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है। लोन पेयर रिपल्सन होगा जिसके कारण यह हाइड्रोजन थोड़ा और चिपक जाएगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था लेकिन 109 से भी कम इसका एंगल हो जाएगा,
इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण, लेकिन सेप में लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। सेप अगर देखेंगे तो ये मेरा फिस्ट ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर है, इस तरह का सेप बनाया, तो ये सेप कैसा कहलाएगा? ये ऐसे बेंडिंग है ना, तो बेंड सेप कहलाएगा, इसका सेप हो जाएगा बेंड। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं सिक्स फाइव हमने देखा, यहां सिक्स में हो जाएगा वैसा एटम जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, तीन बॉन्डेड एटम हो और दो लोन पेयर हो। ओके, एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के फॉर्म में दिया है, ClF3। ये यहां पे थ्री बॉन्डेड एटम है फ्लोरीन, और क्लोरीन के पास दो लोन पेयर बचा रहेगा। जैसे क्लोरीन है तो इसमें एक्चुअली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो जो होगा वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, तो दो लोन पेयर के फॉर्म में ऐसे ऐसे है। एक जो हमारा फ्लोरीन है सपोज कीजिए इधर आ गया, एक फ्लोरीन यहां है, दूसरा फ्लोरीन ऊपर रहेगा, तीसरा फ्लोरीन नीचे रहेगा। ये सारा का सारा फ्लोरीन जो है वो 90 डिग्री पे है। ये सेंट्रल एटम हमने फिर अपना फिस्ट को बनाया, तो एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन में है, दूसरा फ्लोरीन इस डायरेक्शन में है और तीसरा फ्लोरीन ऊपर रहेगा ऐसे। और जो ये लोन पेयर है 120 डिग्री के एंगल पर, देखिए लोन पेयर का शेप ऐसे रहेगा यहां और यहां, जिससे कि इसको स्पेस जी भर के मिले। बाकी ये तीनों 90 डिग्री के पे है, लेकिन ये ज्यादा एंगल पर रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें रिपल्सन ज्यादा होने के कारण अपना स्पेस ले लिया। अब शेप देखने के समय इस दोनों को हटा देंगे, शेप सिर्फ हमारा ये बताएगा, ये तो लोन पे है तो ये शेप नहीं बताएगा। तो शेप होता कैसा है इसका, अगर इसको हटा दे तो ये टी शेप है। देख लीजिए इधर से देखेंगे तो टी शेप लगेगा ये और ये, इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दे जैसे हमने बताया, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है इसको ऐसे कर दे तो लगेगा ना ऊपर ऐसे और ऐसे, टी शेप है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं टी शेप। ये टी इंग्लिश का लेटर टी शेप। नेक्स्ट जो आएगा और लास्ट है, ये लास्ट सेवेंथ जो है, सेवेंथ में ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जिसमें एक सेंट्रल एटम के साथ साथ 4 बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम 4 है और लोन पेयर यहां पे भी 2 रहेगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल आपको एक्सई जेनन का ले लेंगे, एक्सई एफ 4 होगा, जेनन टेट्राफ्लोराइड। अब जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये देखिए यहां पे जेनन हो गया एक्सई, इसमें 4 फ्लोरीन आएंगे, 4 फ्लोरीन में चारों यहां पे एक नीचे यहां पे एक ऊपर यहां पे एक यहां पे, स्क्वायर शेप में हो जाएगा और दो लोन पेयर जो है एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आप देख के देख सकते हैं, जैसे ये फिस्ट अगर जेनन है तो एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, दूसरा फ्लोरीन ऐसे, तीसरा और चौथा, यहां पे स्क्वायर शेप में ये हो गया। इसको ऐसे अगर रख दे तो ऊपर हो जाएगा आपको एक लोन पेयर, एक लोन पेयर नीचे हो जाएगा, तो ये शेप कैसा है, स्क्वायर है और प्लेन है, ये सब एक ही प्लेन पे है, तो स्क्वायर है और प्लेन है, तो स्क्वायर प्लेनर। यहां एक्सीएफ 4 का इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर।